आईगुल का हार वो पहले ही उस्मान को दे चुके थे। उस्मान साहब को जरूर अब इसका अफसोस है कि अब उन्होंने सारे कबीले के सामने कयामत बर्पा कर दी। उस्मान, क्या जरूरत थी? उस्मान, आईगुल और आलीशार की शादी में किसी सूरत नहीं होने दूंगा चाचा जान। बाला खातून, अपनी रफ्तार कम करो, मैं तुम्हारे साथ लड़ना नहीं चाहती। अजीब बेशर्मी है, एक दरवाजे से निकालो अगर दूसरे दरवाजे से आ जाते हैं। इतनी नहुसतें लेकर आई हो यहाँ के हमारी मुश्किलात कम नहीं हो रही। और कितना खून खराबा चाहती हो गया कम नहीं है? आईगुल बहन, जब तुम्हारे इतने बड़े ख्वाब हैं तो अपने दिल को भी बड़ा कर लो ताकि इस तरह की कश्मकश में टूट ना जाए। अगर दोबारा इस तरह हाथ उठाया तो अच्छा नहीं होगा। बाला खातून, बात सुने, गुंदू साहब का हुक्म है कि कोई भी कबीले से नहीं जाएगा। चलो चले। बाला खातून, ये बाला खातून, जिंदगी के फैसले करोगे? डरो अल्लाह से, डरो। छोड़ो, छोड़ो मुझे, मैं कहता हूं छोड़ो। बालगाय के सिपाही कोंगर के साथ तुमने मुझ पर हमला किया है। हमारी जानें ले लो ताकि हमें तुम्हारे शर से निजात हासिल हो। बहुत सी जिंदगियां जीरन बनाई आपने, आपकी मौत आसान नहीं होगी, पहले आप हिसाब देंगे। चलिए हमारे साथ, बहुत कुछ सुनना और कहना है। आलीशार, आलीशार बहुत जल्द आएगा, अगर मैं तुम्हारा कहना ना मानूं तो तुम क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे तुम? हाथ भी नहीं लगाऊंगा मैं, लेकिन सहरा खातून ने दुश्मनों के साथ तावुन किया है। भाईजान तो कबीला बद्र करेंगे इनको, लेकिन मैं आपकी आंखों में आंखें डालकर इनकी जान लूंगा। मुझे अफसोस है कि तुम इस हद तक जाओगे उस्मान, इतने गिर जाओगे।
गुनूर, गोक्तुक के साथ मिलके इन्हें किसी खुफिया मकाम पे ले जाओ। फिर वहां से हवेली चले जाना। तुम रूलो रियाज, होशियार रहना। बाला, बाला बेटी, बाला, बाला, मेरी निडर बेटी, तुमने क्या किया? सलजन खातून, बात सुनिए। क्या हुआ? बाला खातून कबीले से बाहर चली गई, जबकि मैंने उन्हें बताया था, गुंडू साहब ने मना किया है कि कोई बार नहीं जाए। वो इतनी तेजी से निकली कि मैं उन्हें नहीं रोक सका। ये तुम क्या कह रहे हो? फौरन जाओ उसके पीछे, जाओ जाके ढूंढो बाला को। ओह मेरी बच्ची, अगर हम बाला को ना ढूंढ पाए तो हम उस्मान से क्या कहेंगे? तुम मुझे समझती हो अलाजा। मैं समझ रही थी कि उस्मान सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हैं। बहुत तकलीफ हो रही है सोच के उस्मान। तुम देख रही हो ना, वो मेरी सांस रोक गया। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया उस्मान? इस चेहरे को देखे बगैर, इन आंखों को देखे बगैर कैसे जिंदा रह सकता हूं मैं? मेरा दिल और मुस्तकबिल आपके पास अमानत है मेरी अब से। क्या इस अमानत को रखेंगे आप? अगर नहीं रखना चाहते तो नाराज नहीं होंगी, ये जान ले। तो ये उस्मान का वादा है तुमसे, भूलना मत। तुम जहां भी जाओगे तुम्हारे पीछे आऊंगा मैं, वादा करता हूं। बहुत सी चीजों से गुजरे हैं और बहुत कुछ हुआ है। उस्मान ने उन सब चीजों को एक तरफ रखकर कह दिया कि मैं आयगुल की शादी आलिशार से नहीं होने दूंगा। अलाजा मेरा दिल बहुत दुखी हो रहा है। आयगुल की शादी उसके लिए इस कदर नाकाबिले बर्दाश्त है, क्या करें हम?
अल्लाह वो सब कुछ दे जो उस्मान साहब को चाहिए। मेरी तसल्ली मेरे पापा है। वो हमें तस्कीन देंगे, वो जरूर हमारी रूह को सुकून देंगे, है ना लचा? तुम इस पर पशेमान होगे, लेकिन इस वक्त बहुत देर हो चुकी है। दुंदार साहब की सरदारी शफाफियत से मिली है, कुंदूस की सरदारी फरमाइश पर मिली है। लोगों को इसका पता चलने दो, तब मैं देखूंगी कि तुम क्या करोगे। सच कहूं तो मैं नहीं जानता कुछ, हुजूर जो कहते हैं मैं वही करता हूं बस। बाबा कहाँ है मेरे? उन्हें कहाँ लेकर गए हो? इस तरह से बांधने के बाद भी हमसे खौफजदा होकर सच छुपा रहे हो? आपको ये जानने का कोई हक नहीं और मुझे ये बात बताने की इजाजत नहीं। खामोश हो जाए और मुझे अपना काम करने दे, समझे? अपने चचा को इस हाल पर पहुंचा के क्या लुत्फंदोज हो रहे हो उस्मान? आप इस हालत में अपनी वजह से हैं चचा। हमारे बहुत से सिपाही तुम्हारी वजह से मर गए, ये काफी नहीं? तुमने मेरे बेटे को मार दिया, और ये भी काफी ना हुआ तो तुम मुझे मारने की कोशिश की। अगर तुम्हारा जमीर इजाजत दे दे तो मुझे यहीं खत्म कर दो। हमारा खून एक है चचा, और ये गुनाह मैं अपने सर नहीं ले सकता। और तुम जिस दिन पैदा हुए उस दिन पर लानत। सबर का इम्तिहान मत लें। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम कितने गलीज कामों में मुलव्विस हो। हाँ? जानता हूं कि चंगेज खान के कवानीन तुम्हें कहां से मिले उस्मान, और वो शहजादी जिसे तुम कबीले लेकर आए, तुम्हारे कानों में ये सरगोशियां कौन करता है? आखिरकार तुम्हें इसमें किसने डाला है? तुम्हारे इस मंसूबे के पीछे कौन है उस्मान? तुम किसके लिए काम कर रहे हो? कौन लोग हैं वो मुझे बताओ उस्मान, जवाब दो मुझे। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो चचा, मर्द की तरह हर सवाल का जवाब दो मुझे। झूठ बोलने का मत सोचिएगा, हर चीज जानता हूं मैं, हर चीज। जानते तो होंगे कि मैं आपको क्यों नहीं मार रहा। क्योंकि आप आलिशार के हाथ के खिलौने हैं, इसलिए भी कि तरस आता है मुझे अब्दुल रहमान गाजी की जान लेने से। आलिशार को रोकने की कोशिश की थी आपने, और मैं जानता हूं कि मलिक ने अब्दुल रहमान गाजी को बेरहमी से मारने की कोशिश की थी,
तुम ये सब कैसे जानते हो उस्मान? हाँ अब्दुल रहमान गाजी और कलित सिपाही जिंदा है। हर शय मैं जान चुका हूं। धुंधार साहब को अब तक तो आ जाना चाहिए था। वो गरीब ही होंगे, जल्द पहुंच जाएंगे। हवेली के हर कोने को फूलों से सजा दिया जाए, मैं आयगुल का खुशबुओं से इस्तकबाल करना चाहता हूं। हम इतनी परेशानियों का शिकार हैं और तुम क्या करते फिर रहे हो आलीशान? तुम तो एक नौजवान लड़के की तरह शादी की खुशियां मना रहे हो। उस्मान के पीछे ताई कबीले की पूरी ताकत मौजूद है, यही परेशानी है। क्या आपको अभी तक ये बात समझ में नहीं आई? आयगुल की उंगली में जो अंगूठी मैं पहनाने वाला हूं वो उसके बाप के गले का पट्टा बन जाएगी। अगर इन सरजमीनों में तुम काइयों के खिलाफ हुए तो उस बालगाय कुत्ते की तरह तुम भी नाकाम हो जाओगे। चलो देख लेते हैं। आज के बाद इस हवेली की खातून आयगुल खातून है। मुलाजमीन को बता दो कि जैसा भी वो कहें वैसा ही किया जाए। जो हुक्म हुजूर। कहो क्या बात है? हुजूर, रास्ते में सिपाहियों पर हमला हो गया है, डाकू सारी चीजें साथ ले गए, जमीन पर खून ताजा था, निशान मौजूद हैं। क्या कहा? क्या बात है आलीशान? मलिक, सिपाहियों को और मेरा घोड़ा तैयार करो, जल्दी जाओ, जल्दी। तुम कहां जा रहे हो आलीशान? धुंधार साहब को अब तक आ जाना चाहिए था, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है कमांडर। क्या इसके पीछे उस्मान है? उस्मान ही हर मुसीबत के पीछे होता है, अभी पता चल जाएगा। चलो जल्दी लेकर आओ। गीदड़ अपनी खो से निकल गया। अब्दुल रहमान गाजी जिंदा है? तुम झूठ बोल रहे हो। यह उतना ही सच है जितना कि मैंने आपके बेटे बतूर को कत्ल नहीं किया। अब्दुल रहमान गाजी के हाथों से आपको बलगाय ने नहीं, आलीशार ने अगवा किया। उसने आपका इस्तेमाल किया काई के रहने वालों के बीच में फूट डालने के लिए। चचा, अपनी आंखें खोल लीजिए, क्यों आप ये सब नहीं समझते? तुम्हारे हर लफ्ज में झूठ और हर बात में मुनाफकत है उस्मान। हत्ता के बालगाय का सिपाही कोंगर, वो भी तुम्हारे साथ था, अपनी आंखों से देखा मैंने। क्या तुम इससे भी इनकार करोगे? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं मालूम? काई के मनसब के लिए तुमने बालगाय से इत्तेहाद कर लिया है। अगर मुझे काई सरदारी चाहिए होती तो बहुत पहले ही मैं आपको मार चुका होता। उस्मान, मुझे क्या पता है कि तुम क्या गुल खिला रहे हो और क्या पता कि तुम्हारे पास क्या है। जिस शख्स ने अपनी बेटी को अपनी ख्वाहिशात की भेंट चढ़ा दिया, फिर उसका बेटा बतूर इसी हिर्स का शिकार हुआ,
और इस हिल्स में उसे आलीशार भी दिखाई नहीं देता जिसने असल में उसके बेटे बतूर को कत्ल कर दिया। बस बस करो उस्मान, बस करो, मुझे किसी बात पर यकीन नहीं है तुम्हारी। अपने अंदर का समीर मुतमईन करने के लिए हकीकत को झुठलाएंगे। बाबा का मनसब हथियाने की कोशिश करते रहे, उनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठा के किस कदर लालची हो गए। आलीशाह के साथ मिल गए ये शक होने के बावजूद भी कि उसने अपने बेटे का कत्ल किया। बस करो उस्मान, बस करो, बस। मैं कसम खाता हूं कि एक दिन तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा उस्मान। या तो तुम यहां मुझे मार दो, या फिर उस दिन का इंतजार करो जब तुम मेरे हाथों मरोगे। आपको आलीशार के सामने लाऊंगा और हकीकत सुनिएगा उसी के मुंह से। मौत आपकी मेरे हाथों से नहीं बल्कि दुख से ही हो जाएगी। औरान, चचा को यहां से ले जाओ, दूर कर दो मेरी नजरों से। यकीन एक दिन हिसाब का वक्त आएगा उस्मान। सलजान खातून, क्या हुआ है, क्या बात है? बाला खातून चली गई। कहाँ चली गई ताईजान? उसने सुना उस्मान ने कहा था कि मैं आयगुल और आलीशाह की शादी नहीं होने दूंगा, इसी बात पे वो लज गई थी। या अल्लाह, यहाँ हर दूसरा शख्स मेरे उस्मान की मोहब्बत को जानता है, उसने ऐसा क्यों किया? अपनी मोहब्बत की वजह से बामसी साहब, उस्मान ने जो आयगुल की शादी रुकवाने की बात की वो बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए चली गई। जब से सुना था वो बेचैन थी, सिपाही भी भेजा है उसके पीछे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उसे ढूंढ सकेगा। ताईजान आप परेशान ना हो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, जल्दी। हमें निकलना चाहिए, निकलना चाहिए, वरना मैं नहीं जानती मैं उस्मान को क्या जवाब दूंगी। ये निशान काई कबीले का है, यहां जरूर लड़ाई हुई थी। जमीन पर खून के आसार भी हैं।
दुनदार साहब की टोपी है ये। उसकी टोपी यहाँ है लेकिन वो खुद नहीं। यहाँ लड़ाई तो हुई है लेकिन कोई लाश नजर नहीं आ रही। बजाहिर वो तुम्हें बुला रहा है। क्यों ना हम उसका पीछा करें? क्या इतने अरसे में तुम्हें ये भी पता नहीं चला कि उस्मान किस किस्म का आदमी है? क्या उस्मान जैसी बला कभी अपना सुराग छोड़ेगी? अगर तुम उसका पीछा करोगे तो तुम्हें अपनी कब्र ही मिलेगी। क्या करना है हुजूर? सिर्फ एक ही काम हो सकता है, मैं काई कबीले जाकर उनसे हिसाब किताब करता हूं। हुजूर, कमानदार के साथ ही रहो। ठीक कह रहा है, तुम इस जगह को जानते हो, उनके पीछे जाने के बहुत से रास्ते हैं। ध्यान से सुनो सिपाहियों, मेरी गैर मौजूदगी में तुम सब कमानदार के मातहत हो। सुनो आलिशार, मुझे उस्मान जिंदा चाहिए ये मत भूलना। अगर हमें पता नहीं चला कि उसके पीछे कौन है तो हम सब की गर्दनें उड़ा दी जाएंगी। तुमने दाना चुग लिया आलिशार। चलो। आखिर तुम उस्मान के जाल में फंस गए हो। आ जाओ आलिशार, आ जाओ। ये बताया, आप लोगों का पीछा तो नहीं किया किसी ने? हमने आपकी पुकार सुनी और ऐसे आए कि साय को भी पता नहीं चलने दिया। बहादुर साहब, ना कोई निशान छोड़ा, ना किसी ने देखा। जब उस्मान ने आपके भाई बतूर को कत्ल किया तो आपके बाबा लड़खड़ा गए थे। बहादुर साहब, अल्लाह का शुक्र है कि आप वापस आए और उन्हें कुवत मिली। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। उस्मान और उसके साथी यही सोचेंगे कि मैं और मेरे बाबा अभी तक बिल्कुल अलग हैं। उन्हें शक ना हो बस। हमें आपके अंदर इंतकाम की आग नजर आती है और ये हमारे लिए बायसे फखर है। आप हमें हुक्म करें, हम कार्रवाई करते हैं। आखिरकार अब ये मुबारक घड़ी आ ही गई। अपनी बहन आयगुल की शादी की रात हम अपनी दुश्मनी को रस्सी बनाकर दुश्मनों के गले घोंट देंगे। ये बताएं, शादी कहां होगी जनाब? शादी हवेली में होगी। काई कबीले से हर कोई सरदार आलिशार के मेहमान बनकर फौरन उसके हिसार जाएंगे। और जब वो वापस कबीले आएंगे तो उनका नया सरदार उनका अच्छा इस्तकबाल करेगा। मेरे पापा आखिर कहाँ हैं अम्मी? कहीं इन्होंने उनको मार तो नहीं दिया जान से? नहीं मारा, वो जिंदा है बेटी। शुक्र है अल्लाह का कि पापा ठीक है। शुक्र है अल्लाह का। आप ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। इस हालत को तुम ठीक कह रही हो खातून? अल्लाह हमारी मदद करे। आमीन।
तुम क्या कर रहे हो? हाँ, कहाँ ले जा रहे हो मेरी बेटी को? छोड़ो मेरी बेटी को, दुंदार साहब, रोके उसे, दुंदार साहब। कुरान, कुरान, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरी बेटी को, कुरान। ये तुम कहाँ लेकर जा रहे हो मेरी आईगुल को? क्या तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही? मेरे हुजूर का हुक्म है ये। कुरान, रुक जाओ, तुम मेरी बेटी को यहाँ से नहीं ले जा सकते। छोड़ दो इसे, अगर मेरी आईगुल को कुछ हुआ तो याद रखो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, और तुम सबको मारकर तुम्हारी कब्रों पर काई कबीला बना दूंगा। रुक जाओ। उस्मान, तुम आईगुल से क्या चाहते हो? उस्मान, तुम क्या चाहते हो? जवाब दो उस्मान, उस्मान। काई कबीले के सरदार और सिपाही होने के बाद अब क्या डाकू बन गए हैं आप? तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वो डाकू हैं आईगुल, लेकिन तुम देखना नहीं चाहते। मैंने जो कुछ देखना था वो देख चुकी हूँ उस्मान। पहले मेरे भाई को जान से मार दिया, अब मेरे घर वालों को भी मार दोगे? अगर ये सब मैंने करना होता तो बतूर की जान हर किसी के सामने लेता। मैंने उसे नहीं मारा। जहां तक तुम्हारे बाबा की बात है, वो आलिशार के जाल में फंस चुके हैं। आलिशार की बात कर रहे हैं? जब हमें कबीले से निकाल दिया गया तो जानते हैं ना किसने हमें पनाह दी? मेरे बाबा को बचाकर उनका इलाज किसने किया? हमें आपसे बचाने वाला कौन था आखिर? मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आलिशार के मंसूबे क्या हैं। तो उसने ये सब क्यों किया? क्योंकि वो मोहब्बत करता है तुमसे। वो मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं करता नहीं मालूम, लेकिन ये हकीकत है कि उसने आपसे ज्यादा अहमियत दी। अगर आप मोहब्बत की इतनी ही बात कर रहे हैं तो बाबा की मेरे साथ शादी की पेशकश क्यों ठुकराई आपने? आईगुल, मेरा तुमसे कोई और रिश्ता है। बहन समझता हूं तुम्हें, एक जान है हम, लेकिन इसका मतलब तुमने कुछ और समझा। तुमने मुझे हमेशा किसी और नजर से देखा। मेरा क्या कसूर है इसमें बताओ जरा। तुम्हें बुरे लोगों से बचाने के लिए और तुम्हारी हिफाजत करने के लिए तुमसे शादी करना जरूरी है क्या? आईगुल, हरीफ मत समझो मुझे अपना जैसे। मैं नहीं समझता तुम्हें। नफरत क्या इसलिए करती हो मुझसे तुम कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता? तुम्हारे अंदर जो गुस्से की आग है वो तुम्हारा मुस्तकबिल जला देगी। आलिशार जैसा दूर से नजर आ रहा है वैसा हरगिज नहीं है। वो लोगों को इस्तेमाल करता है। मैं नहीं चाहता कि तुम इस खेल का हिस्सा बनो। मैंने ये सब कभी भी नहीं सोचा था उस्मान।
मेरी दुआ है कि आप बाला खातून के साथ खुश रहें। आइगुल, प्यार करता हूं मैं बाला खातून से, लेकिन कुछ देर पहले कबीले में कहा कि आइगुल की शादी आलीशार से नहीं होने दूंगा। अब इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं एक भाई की तरह।